जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के मई के भविष्यफल की। ये चंद्र राशि पे आधारित है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, जो मैं नहीं चाहता हूँ कृष्ण की कृपा से कभी भी आपको कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, आने वाले समय के बारे में जानना हो तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। जिनको वैदिक ज्योतिष पढ़नी है सरल तरीके से, आसान तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के द्वारा। जो है वो कोर्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, फीस के बारे में आप अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए ये जो महीना है मई का, वो थोड़ा चैलेंज लिए हुए। वैसे तो आजकल सभी के साथ ये टाइम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मई के महीने में मिथुन राशि वालों को कुछ चीज़ों के लिए जो है सतर्क रहना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि जो चलित में इस समय चल रहा है, जो ग्रह ट्रांजिट हो रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जो चंद्र राशि से मतलब आधारित है, तो देखिए इस समय उनके केंद्र में जो है कोई शुभ प्लैनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं से एक रिक्तता नजर आएगी, एक खालीपन नजर आएगा, एक सपोर्ट की कमी उनको रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बल नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, हौसला नहीं रहेगा, ये रहेंगे आपके पास, हिम्मत भी रहेगी आपके पास। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि देखिए, राशि का स्वामी बुध जो है वो ज़्यादातर समय मई के महीने में जो है वो 12वें स्थान पे जाएगा। और वैसे भी 12वें स्थान पे जो है राशि के स्वामी का चले जाना उचित नहीं माना जाता, और बुध का तो बिल्कुल नहीं माना जाता है बुध, क्योंकि वैसे भी 12वें स्थान में जाके कहते हैं कि वो नीच का हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहाँ मीन राशि पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, थोड़ा सा उत्साह में कमी रहेगी, चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं, प्रोफेशनल दिक्कत हो सकती है, कुछ काम नहीं बन रहे हैं। हाँ, बाहर से, अब्रॉड से, कोई विदेश से संबंधित काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो घर बैठ के कोई नौकरी करते हैं आईटी में, या जिनका भी संबंध है बाहर से और वो घर बैठ के उन नौकरियों को कर सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेहतर समय है, शुभ समय है। किसी भी तरीके का ऐसा काम जो फॉरेन से रिलेटेड हो, या जहां आप रहते हो तो बाहर से रिलेटेड हो, और जिसको आप घर बैठे हुए कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तब तो आपको वो बहुत फ़ायदा प्रदान करने वाला है। नहीं तो कई प्रकार के आपको जो है हर्डल्स रहेंगे, कई प्रकार की आपको जो है बंधन महसूस होंगे। आपको लगेगा कि भाई आपकी नौकरी भी सही तरीके से नहीं चल रही है, या जिनको नई नौकरी लगनी है उनको उसमें डिलेज होते हुए नज़र आएंगे, उससे मन व्यथित रह सकता है, परेशान रह सकता है। एक बात बहुत सुंदर है कि सारे मई के महीने में जितनी भी देखिए चीज़ें चलेंगी आप लोगों के साथ, जो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कष्ट या परेशानी का दौर अगर मई के महीने में मिथुन राशि वालों के साथ रहता है, तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी एक, जिसको कहते हैं थोड़ा सुख की नींद, एक शांति, एक ये कह सकते हैं कि आनंद, परिवार का सपोर्ट, फैमिली में एकजुटता, ये देखिए बनी रहेगी और बनी रहनी भी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अवश्य मैंने आपको बताया कई तरीके के संशय आपके जीवन में होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लाइफ पार्टनर से संबंधित हो सकते हैं उनके साथ। देखिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत तालमेल बना के चलिए, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का जो है आपस में मन मुटाव ना हो, उनकी तबीयत का भी अवश्य ख्याल रखिएगा। हाँ, कुछ
प्रेशर्स अवश्य कम होंगे लाइफ पार्टनर और आपके बीच में, या कहीं कोई एग्रीमेंट्स थे या कहीं कोई काम होने थे पार्टनरशिप्स के, उसमें उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थोड़ी सी हल्की होती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी चैरिटी के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने, जाना भी चाहिए मिथुन राशि वालों को। घर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आप घर से बाहर हैं और आपको घर की चिंता सता रही है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। माताजी के संबंध में भी कुछ कष्ट हो सकता है उनको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल, कुछ इस तरीके की देखिए चीज़ें भी बन के उभर के सामने आती हैं। तो कई चीज़ों को लेके जो है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि 15 मई तक मैं ये कह सकता हूँ कि ऊर्जा, शक्ति, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी जो डिज़ायर है काम करने की, आगे बढ़ने की, वो बनी रहेगी। कई अधिकारियों का, कई आपके मित्रों का, भाई बहनों का, छोटे उनका सपोर्ट भी आपको रहेगा, जिससे बल रहेगा। कई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इनमें बढ़ चढ़ के काम लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं करते हुए, लेकिन फिर भी 15 मई के बाद जो है आप अपनी नौकरी या बिजनेस जो भी करते हैं उसके प्रति थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कई प्रकार के चेंजेस नज़र आते हैं। हो सकता है कि आपको दूसरी जगह जाना पड़े, हो सकता है नौकरी जाने की भी समस्या आ सकती है इस महीने जो मिथुन राशि वाले हैं। कई प्रकार के मन में डाउट्स उभर सकते हैं उसको लेके। सेहत का भी देखिए, आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत से संबंध में मेनली मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप अपना मूड सही रखिए, आप अपना एटीट्यूड सही रखिए, क्योंकि समय देखिए वैसे भी टफ चल रहा है कई चीज़ों के लिए, और जहाँ पे अगर आपने अपना मूड नीचे कर लिया, उसको डाउन कर लिया, तो देखिए प्रॉब्लम्स फिर चाहे कोई भी हो, छोटी प्रॉब्लम्स भी हो, वो फिर बढ़ चढ़ के सामने आएंगी। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली हैं। भाग्यवश प्रभु की कृपा से आपको धन जो है मिलता रहेगा काम के, उससे बहुत ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे टाइट होती नहीं नज़र आ रही है कि आपको धन या वेल्थ के संबंध में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े। जितना आपको चाहिए वो मिलता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ क्लियरली कि मई के महीने में बहुत नए नौकरियाँ, बहुत नए प्रमोशंस, बहुत नई उम्मीदें, इस तरीके की चीज़ें थोड़ा कम हैं यहाँ पे। पिताजी के भी अपना अवश्य ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या बड़ों से, टीचर से, गुरु से किसी प्रकार से अनबन ना हो जाए, कुछ अथॉरिटी से फ्यूचर को लेके आशंकित रह सकते हैं, जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम आपके देखिए आ सकती है या हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी बन सकती हैं। बच्चों की तरफ से आपको सुख मिलेगा, वो अपने हिसाब से जो है ठीक चलते रहेंगे, उनकी तरफ से आपको संतोष प्राप्त होगा बच्चों की तरफ से। हाँ, मेंटल वरीज अवश्य दिखाई दे रही हैं, साथ में चीज़ें भी अच्छी कुछ बनती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि बड़ों का, अथॉरिटीज़ का, हिम्मत, हौसला आप लोगों का बरकरार रहेगा। 15 मई तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ आपको मेंटल वरीज या अनसर्टेनिटीज़ के कुछ ऐसे काम ना हो जाएं, ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, ये रहेगा। जबकि आत्मविश्वास आपका बरकरार रहेगा। माता पिता की सेहत के लिए, उनकी तरफ से कोई परेशानी को लेके या घर से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को लेके परेशानी देखिए इस समय हो सकती है आप लोगों को। अपनी सेहत का मैंने आपको बताया, आप वो भी ख्याल रखिएगा। कई प्रकार की मेंटल वरीज हैं, डिप्रेशन हैं, ये सब चीज़ों से हो सकता है दो चार होना पड़े। अननेसेसरली पैसा मत खर्चा करिए किसी उल्टी सीधी चीज़ों में, कोई कंफर्ट्स में, लग्जरीज में ज़्यादा पैसा जो है मत खर्चा करिए। सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, हाथ घसीट के चलिए, खींच के चलिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय आप लोगों के लिए। किसी गलत तरीक़ों से, गलत रास्तों पे मत चले जाइए परेशानी के बीच में, क्योंकि देखिए जब चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही होती हैं तो हम लोग कुछ विपरीत काम करने लग जाते हैं।
चाहे बड़ों से कहिए लड़ बैठे, अपने बुजुर्गों से लड़ बैठे, प्रभु के प्रति जो है वो अनभिज्ञता एकदम से हो जाए, या आप किसी प्रकार से अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध खराब कर लें, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका रहेगा। देखिए राहु पहले घर में बैठा हुआ है मिथुन राशि वालों के, इस समय चल रहा है, तो कई प्रकार की बुद्धि, समझ, ज्ञान, आत्मविश्वास देखिए आप लोगों का चलता रहेगा, वो आपके साथ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कई और ग्रहों की वजह से, कई और पॉइंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उभरती हुई नज़र आ रही हैं, या यूँ कह लीजिए काम बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, नई नौकरियां, नए विस्तार, नए बिजनेस, बाहर से बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसमें आपको इस समय कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर अंदर आ जा नहीं सकते हैं। हाँ, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए नई नौकरियों के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं, बाहर से बहुत सुंदर फायदे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का विपरीत काम, गलत काम देखिए इस समय कुछ भी मत करिए। हाँ, आपको जो है अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्राप्त हो सकती है, कहीं से आपको जो है जो आपने सोचा ना हो उससे वेल्थ प्राप्त हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखिए, उनकी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वहाँ उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी तरफ से भी अथॉरिटीज से, बॉसेस से, उनसे किसी प्रकार का झगड़ा मत करिए, नहीं तो वो चीज़ें देखिए बढ़ जाएंगी। काम को लेके मैं कह सकता हूँ प्रोफेशनल फ्रंट इस समय आप लोगों का बहुत 100% नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से मई के महीने में मैं कह सकता हूँ कि 50% है। कई प्रकार से आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे उसको जो है ठीक रखने के लिए, चलाने के लिए, कुछ ट्रांसफर्स, कुछ नौकरी जाना या कुछ नई नौकरी पकड़ने की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। आमदनी धन की अच्छी आती रहेगी, जो भी पैसा आप खर्चा करेंगे वो होगा तो देखिए शुभ में ही खर्चा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कोई बहुत बुरा खर्चा नहीं दिखाई दे रहा, ना आपको इस समय करना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई बुरा खर्चा, क्योंकि ये टाइम जो है अपने आप को समेटने का है, ये टाइम अपने आप को हिम्मत देने का है, ये टाइम अपने दिमाग से, समझदारी से, ज्ञान से चलने का है। किसी भी तरह से आप अपने मेंटल वरीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में अगर अन्यथा चल रही हैं तो उसकी वजह से अपने जीवन में प्रॉब्लम मत क्रिएट होने दीजिए, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, स्टॉक, शेयर्स, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, हार्डवर्क करना पड़ सकता है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आपको लग सकता है कभी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आप में बिलीव करिए, अपनी विद्या पे, अपने ज्ञान पे, अपनी स्किल्स पे बिलीव करिए, ज़्यादा मेहनत डालिए, पॉजिटिव रहिए, आपको सुंदर फल प्राप्त होते रहेंगे। किसी भी प्रकार से गलत रास्तों की तरफ बिल्कुल भी मत बढ़िए, गलत चीज़ों की तरफ मत बढ़िए, ओवर स्पेंड मत करिए, नहीं तो चीज़ें आप लोगों के लिए कठिन हो जाएंगी। अपनी सेहत का अवश्य ख्याल रखिए, इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो राशि का स्वामी है, मैंने वो भी बताया, 12वें स्थान पर चलेगा मई के महीने में, तो कई प्रकार की आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा खान पीन, कोई गलत तरीकों की तरफ नहीं बढ़ना, ये सब चीज़ें करिए। नॉनवेज वगैरह खाते हैं, अगर किसी इंटॉक्सिकेशन में हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको देखिए प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा भी मई के महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ यात्राएँ हो सकता है करनी पड़ जाएँ, जो आपके लिए लॉस का कारक बने। कई तरीकों की एनर्जी हालांकि मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ आपकी अच्छी बनी रहेगी, प्रभु पे ज़्यादा विश्वास करिए, अपने स्किल्स पे, अपनी एजुकेशन पे, जो आपने विद्या ली है उस पे बिलीव करिए, कोई गलत कामों की तरफ मत बढ़िए, कोई बहुत एडवेंचरिज्म के काम इस समय मत करिए, कोई बहुत बड़े बदलाव मत करिए अपने जीवन में इस समय, जो समय आ रहा है उसके हिसाब से चलिए, वहाँ पे टिके रहिए, जहाँ पे आप हैं जिस पोजीशन में इस समय,
आगे आने वाले समय में सुंदर लाभ प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर धन प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है हर प्रकार का। तो कई प्रकार की चीज़ें आपके साथ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं बाद में। हाँ, ये महीना बैलेंस में चलने का है, अपने आप को समेट के चलने का है, घर परिवार में जो है वो अपना ध्यान देने का समय है, वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो जाए। लाइफ पार्टनर के साथ भी आप देखिए अपना संबंध बरकरार बना के रखिए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उनकी सेहत की तरफ ध्यान रखिए, किसी से और जो है लड़ाई झगड़ा आप ना कर बैठें, चाहे वो बिजनेस डीलिंग में हो या किसी आपके जो पार्टनरशिप्स हों उनमें ना गड़बड़ हो जाए किसी प्रकार की। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद एक अच्छी चीज़ ये है कि फिर भी प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं से आपको आनंद के कुछ पल, सुख के कुछ पल, जिसको कहते हैं मंत्र से, पूजा से, आपके अपने बच्चों के द्वारा वो प्राप्त होते रहेंगे, सुख की नींद आपको फिर भी आती रहेगी। देखिए किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो गणेश जी की पूजा पूरे महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वो अवश्य करिए, आपको वो बहुत सहायता प्रदान करने वाली है। और शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करिए इस महीने आप लोग, तुलसी ज़रूर उनके ऊपर भेंट करिए, अर्पण करिए, आप लोगों के हर प्रकार के कष्ट भी टलेंगे, कोई अनहोनी भी नहीं होगी, हर प्रकार का सुख भी आपको प्राप्त होगा, आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा और प्रभु आपको जो है हर प्रकार के जो है कष्टों से बचाएंगे भी, आपके साथ भी रहेंगे, कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।